जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा, मेरा आज का ये वीडियो रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2022 का आखिरी महीना यानी दिसंबर 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। साल का ये आखिरी महीना क्या आपको एक नई राहत देने वाला है, क्या आपको एक सफलता की तरफ मोड़ने के लिए तैयार है, या कुछ परेशानी आने वाली है, क्या शुभ रहेगा इस महीने क्या अशुभ, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है यानी गोचरीय सिद्धांत के अनुसार यानी आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस भाव में चल रही हैं उसके बारे में हमारी विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में रहने वाली है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रहों की स्थितियाँ कि 1 दिसंबर 2022 को जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो कैसी हैं कि आपकी राशि है वृश्चिक और वृश्चिक राशि में त्रिग्रही योग है सूर्य बुध और शुक्र का। वहीं राशि से तीसरे घर के अंदर शनि अपनी ही स्वराशि के अंदर मकर राशि में है और मार्गी अवस्था में है। पंचम भाव में बृहस्पति जो अभी तक वक्री थे वो 24 नवंबर को मार्गी हो गए और अब वह मीन राशि से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं मेष राशि की तरफ। जहाँ छठे घर में राहु है और 12वें घर में केतु की स्थिति देखी गई है तो आपकी राशि के जो लॉर्ड है मंगल वो पूरे महीने राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहने वाला। देखिए मंगल आपकी राशि के लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड मंगल राशि से सप्तम भाव में चल रहा है। शास्त्र इसको यात्रा का योग कहता है, दूर स्थान पर जाने का योग कहता है। कभी कभी शॉर्ट पीरियड में व्यक्ति विदेश की ट्रेवल भी कर लेता है या कैसे कार्य क्षेत्र को लेकर आपके जीवन में कोई यात्रा होने वाली है वो इसी कॉम्बिनेशन से आती है। पॉजिटिविटी क्या है कि राशि का मालिक सप्तम में बैठकर राशि को देख रहा है, इसका मतलब मान सम्मान के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वक्री है, केंद्र में है, सप्तम में है राशि से, रिजल्ट मिलेंगे इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा खींचातानी हो सकती है। लेकिन कहते हैं वक्री ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काम नहीं होगा, लेकिन सडन व्यक्ति के जीवन में अचानक से उछाल आता है और व्यक्ति का काम हो जाता है, तो वो ग्रह उस हिसाब से ये काफी पावरफुल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। मंगल राशि के मालिक होकर राशि को देख रहे हैं, मान सम्मान नहीं गिरेगा, सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। मंगल की चौथे दृष्टि जब दशम भाव पे आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास पहले के मुकाबले अच्छा होगा, काम करने में मन लगेगा, पहले के मुकाबले ज़्यादा मेहनत से काम करते आप इस दौरान दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल का दशम भाव से कनेक्शन है इसलिए ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार से संबंधित जुड़कर कोई काम, अधिकारियों से जुड़कर काम या सामाजिक उठ बैठ से जुड़कर कोई काम संपन्न होना भी दिखता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आपका काम हुआ। आपके सेकेंड हाउस पर यानी मंगल की दृष्टि आपके दूसरे घर पर है, 8वीं दृष्टि। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि छठे घर में के राहु है, वो राहु मंगल की राशि में और मंगल 7th हाउस में, और मंगल ऑलरेडी 7th में बैठकर सेकंड को देखता है। यानी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी भाषा शैली नरम रखनी है, आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जिसके कारण आपके और आपकी पति पत्नी यानी वैवाहिक जीवन के लिए कलह उत्पन्न हो जाए या किसी बात को लेकर वो बात एक दूसरे को चुभ जाए। ये स्त्री और पुरुष दोनों पर नियम लागू होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इस दौरान इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बाकी सभी तरीके से ये मंगल आपके लिए उपयोगी है। शनि तीसरे घर में बैठकर लगातार आपके जीवन में एफर्ट्स कराने में सक्षम है, आपको साहस दिलाने में सक्षम है। वैसे भी राशि से तीसरे घर में अगर शनि हो तो ये व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, यात्राएं कराता है, नवम भाव पे दृष्टि है तो धार्मिक यात्राएं होती हैं कि आप ऐसे समय में भगवान के किसी सिद्ध स्थान के दर्शन करने चले जाएं, धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में हो जाएं, वो इस दौरान संभव दिखाई दे रही हैं। क्योंकि शनि चौथे घर का मालिक भी है तो कभी कभी व्यक्ति ऐसी स्थितियों में घर से दूर भी रहता है, जिन लोगों का काम है कि टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम है, काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ रहा है, वो स्थितियाँ यहाँ है, या जब से शनि यहाँ आया तब से आप घर से दूर हो गए, आपका ट्रांसफर हो गया, ऐसी स्थिति। लेकिन आप देखिएगा शनि की स्थिति धीरे धीरे करके अब कुंभ राशि की तरफ चलेगी यानी घर वापसी के अच्छे संकेत भी देगा ये ग्रह, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भी संकेत इन फ्यूचर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शनि तीसरे घर में बैठकर 12वें भाव पर दृष्टि देकर इस बात को बता रहे हैं कि इस दौरान अवश्य ही आपने किसी दूसरे स्थान से जुड़कर
बाहर के लोगों से जुड़कर ट्रैवलिंग करके अवश्य कोई ना कोई लाभ उठाया है, तो शनि आपके लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात आपके लिए यह है कि बृहस्पति जो अब तक वक्री से चल रहे थे 24 नवंबर को मार्गी हो गए, यानी अब पंचम भाव में चल रहा हुआ बृहस्पति पंचम भाव के पूरे रिजल्ट देगा, यानी अब शिक्षा में होने वाले फायदे दिखाई देंगे, संतान से सहयोग मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, पंचम भाव बुद्धि का है, आपकी द्वारा लिए गए डिसीजंस अब फलित होते दिखाई दे रहे हैं। कि अगर आपको एजुकेशनली कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मन नहीं लग रहा, डिले है, परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ के प्रति आपका पूरा समर्पण नहीं हो पा रहा है, तो अब वक्री से जब ग्रह मार्गी हो गया है तो आप देखेगा कि आपके लिए स्थिति अपने आप में बेहतर होती चली जाएगी। तो वो एक अच्छी और सुंदर सिचुएशंस हमें यहाँ बृहस्पति से दिखाई दी, क्योंकि बृहस्पति सेकंड लॉर्ड भी हैं, इसलिए धन संचय की स्थिति भी अच्छी है, एजुकेशनली भी अच्छा हुआ, बुद्धि के लिए अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसी स्थितियों में जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों में भी व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिल जाता है, वो सिचुएशंस भी आपके जीवन में हमें यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अनुकूल है, क्योंकि पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति भाग्य और लाभ स्थान पर लगातार दृष्टि देता है। इसका मतलब भी सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य के लिए, आपके लाभ के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी प्रमोशंस के लिए ये समय अनुकूल है, ये बृहस्पति अनुकूल है। अब आप देखिएगा कि त्रिग्रही योग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य दशम के मालिक होके राशि में, यानी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय, नौकरी हो, व्यापार हो, इन सब के लिए अनुकूलता दर्शाता है यह समय, या इसको कह सकते हैं इस दौरान आपकी कर्म करने की इच्छा है, आप कार्य करेंगे, उस काम में आप पूरी तरीके से मेहनत करके लगेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल की राशि में, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सूर्य आपके लिए बेनिफिशियल है। 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य, कहाँ पहुँचेंगे, सेकेंड हाउस में, कर्म का धन भाव से संबंध बनेगा, यानी इस दौरान दिए गया वचन पूरा होगा, इस दौरान बोलचाल के माध्यम से पैसा आएगा, इस दौरान आपके सोर्स ऑफ इनकम के अंदर कोई बहुत बड़ा रोल आपकी वाणी का, आपकी बोलचाल का होगा। तो वो सूर्य यहाँ कर्म का मालिक होकर धन भाव में चलेगा, यानी कर्म और धन का एक अच्छा संयोग यहाँ स्पष्ट रूप से बनता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दो ग्रह और बचे, शुभ ग्रह। सबसे अच्छी बात है दोनों शुभ है, नेचुरल कौन है, शुक्र भी है, बुध भी है। शुक्र 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले ये मंगल के साथ राशि परिवर्तन राजयोग में होंगे, यानी शुक्र ग्रह में बल है। शुक्र पहुंचेंगे दूसरे भाव के अंदर, धन भाव में शुभ ग्रह जाता है तो अच्छा ही माना जाता है, और 2 दिसंबर को होंगे बुध राशि परिवर्तन करके, वो भी धन भाव में पहुंच जाएंगे, यानी शुक्र बुध की युति जो राशि में दिख रही थी वही शुक्र बुध की युति दूसरे भाव में दिखेगी, जिसको 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी ज्वाइन कर लेंगे, यानी त्रिग्रही योग जो राशि में बन रहा था वही त्रिग्रही योग राशि से दूसरे घर के अंदर बनेगा। और दूसरे भाव के ऊपर देखें तो 3 प्लेनेट हैं और मंगल की दृष्टि है, यानी कहीं ना कहीं धन भाव पर चार चार ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें एक दशमेश है, बुध लाभेश है, शुक्र का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि शुक्र 12th हाउस का मालिक भी है, 12th हाउस में केतु भी है और वो सेकंड हाउस में जाएगा, तो ऐसी स्थितियों में कभी कभी खर्च भी पीछे पीछे लगा रहता है कि क्या हुआ, आमदनी तो हो रही है, पैसा तो आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम तो है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता रहता है, कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा भी हो सकता है कि आपने जो पैसा जोड़ा हुआ है, जो आपने संचय किया हुआ पैसा है, इकट्ठा किया हुआ है, वो आपको किसी ना किसी प्रकार से निकालना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको लीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति प्रबल हैं, राशि के मालिक मंगल प्रबल हैं, बुध शुक्र सूर्य की युति तीसरे घर में अच्छी है, सिर्फ शुक्र से थोड़ी चिंता है, यहाँ शुक्र इस बात की चिंता भी देता है जो मंगल ने दी, जो राहु ने दी, क्या वैवाहिक जीवन, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है, बाकी प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली सभी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि साल का आखिरी महीना है, लेकिन अनुकूल है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला है, लगातार कार्य करते रहेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये था आपके दिसंबर 2022 का राशिफल, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से ग्रहों की रूपरेखा आपके जीवन में क्या दे रही है, तो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव स्थितियां हमें यहाँ दिखाई दी। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।